तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हम सभी लोग माइनिंग पर जाते हैं ताकि हम लोग पूरे कोल जमा कर बोगी मैन को दे सके। लेकिन इतने में माइनिंग के दौरान मुझे एक रूम में जाइंट एलेक्स मिलता है जिसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था और वो अब हमारा दुश्मन बन गया था। और तभी हमें एक रूम में होगा लाला और बाबा जी मिलते हैं जो कि जमीन पर लेटे हुए थे और वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। और ये सब कुछ देखकर हम लोग वहां से निकल ही रहे होते हैं तभी हीरो ब्रेन एंटिटी 606 को लावा में डुबा देता है। तो गाइज एक बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है क्योंकि गाइज आपको तो याद होगा कि हीरो ब्राइन ने एंटिटी 606 को इस लावा में डुबाकर मार दिया। और गाइज उस वक्त से ना एंटिटी 606 इस लावा के नीचे ही पड़ा है। गाइज मेरे तो ख्याल से एंटिटी 606 खत्म हो चुका है। हीरो ब्राइन ये तुमने क्या कर दिया? लेकिन गाइस मेरे को ना एक बात समझ नहीं आ रही, ये एंटिटी 606 हीरो ब्राइन के हेड जैसे दिखने वाली चीज से आखिर कर रहा क्या था? बाप रे भाई साहब, लगता है कि वो ना कोई काला जादू कर रहा होगा और हीरो ब्राइन ने उसे लावा से जलाकर काला कर दिया। और गाइस बूगी मैन भी अभी आता ही होगा क्योंकि गाइस मैंने जिनको तो भेजा था बूगी मैन को बुलाने के लिए। और गाइस बूगी मैन को ना मैं सारी सच्चाई बता दूंगा। गाइस क्या पता कि उसे पता होगा यहाँ के बारे में कि एंटिटी 606 जिंदा है कि या नहीं। उतरी बूगी मैन इधर आओ, हीरो ब्राइन ने एंटिटी 606 को लावा में डुबा कर मार दिया, लेकिन क्या वो मर गया है? तो क्या गाइस बूगी मैन का कहना है कि तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी एंटिटी 606 को लावा में डुबा कर, क्योंकि गाइस बूगी मैन का कहना है कि वो वापस आएगा और गाइस वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होगा इस बार और वो किसी को भी मार सकता है। इसीलिए गाइस हमें जल्दी से जल्दी इस लावा से ना कहीं दूर भागना होगा। लेकिन भाई साहब, हम हीरो ब्राइन, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, बूगी मैन कोई और रास्ता नहीं है क्या? और गाइस बूगी मैन ने कहा था कि एंटिटी 606 कभी भी नहीं मर सकता। गाइस मतलब वो इमोर्टल है। भाई साहब, मुझे एंटिटी 606 के बारे में ये बात पहली बार पता लग रही है। लेकिन भाई साहब, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि गाइस हीरो ब्राइन तो एंटिटी 606 से ज्यादा पावरफुल था ना, तो ये एंटिटी 606 अचानक से इतनी ज्यादा पावर कैसे अपने अंदर ले सकता है? और गाइज हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि हमारे वर्ल्ड में आगे क्या होने वाला है। क्या गाइज एंटिटी 303 और 606 मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं? गाइज मेरे तो ख्याल से ये लोग ना किसी दूसरी दुनिया से किसी न्यू मॉब्स को बुलाने वाले हैं, क्योंकि गाइज अभी भी आपने देखा वो जाइंट मॉब इस दुनिया को तो नहीं लग रहा। और गाइज ना तो एंटिटी 303 इस दुनिया का है ना ही 606। लेकिन गाइज हीरो ब्रेन ना इन दरिंदों को नहीं छोड़ने वाला क्योंकि गाइज आपको तो पता होगा कि इन्होंने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया। पहले तो इन्होंने हीरो ब्रेन के भाई मतलब जीरो ब्रेन को अपने साथ मिला लिया और गाइज अब ये होगा लाला और बाबा जी तक पहुंच गए। गाइज मतलब इन्होंने तो हमारे टीम के मेंबर को भी मार दिया। लेकिन गाइज हम लोग ना और कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि गाइज ना तो हमारे पास इतनी ज्यादा पावर है। गाइज पहले मैं समझता था ना कि हीरो ब्रेन इन सबको चुटकियों में हरा देगा, लेकिन भाई साहब आज पता लगा कोई बच्चों का काम नहीं है ये। लेकिन गाइज इसमें हीरो ब्रेन की भी गलती नहीं है क्योंकि गाइज उसके सामने तीन तीन मॉब हैं। लेकिन एक सेकेंड, जिन क्या तुम्हें लावा से आवाज आ रही है कोई? भाई साहब, गाइज क्या आपको आवाज आ रही है कोई अजीब सी? इस लावा के अंदर से आ रही है। लगता है गाइज यहाँ से हमें निकलना चाहिए जल्दी से जल्दी। गाइज लगता है कि बूगी मैन की बोली हुई बातें सच होने जा रही है क्योंकि गाइज लगता है यहाँ से कोई अभी निकलने वाला है। हीरो ब्राइन, गाइज मुझे तो कुछ अजीब सा, ओ तेरे भाई ये क्या हो रहा है, जमीन हिल रही है। लेकिन एक सेकेंड गाइज, ये तो एंटिटी 606 है और गाइज बूगी मैन ने तो हमें सही बताया था, जिन पीछे हट जाओ, अबे ढूंगी तू सामने तो आके दिखा। लेकिन गाइज ये ना भी हमें जान से मार सकता है। भाई साहब ये तो हमारे ऊपर लाइटनिंग फेंक रहा है। लेकिन गाइज हम लोग कितने मूर्ख हैं ना, क्योंकि गाइज हम लोग इसकी बातों में आ गए थे पहले। लेकिन भाई साहब एक सेकंड, गाइज इसने तो यहाँ पर पूरा स्मोक कर दिया। और गाइज ये क्या,
तेरी हीरो ब्राइन, गेन बचकर रहना हीरो ब्राइन, तुम्हारे ऊपर लाइटनिंग कर रही है हीरो ब्राइन। लेकिन गाइस हीरो ब्राइन की पावर भी यहाँ पर यूज नहीं होती, वरना हीरो ब्राइन इसे बताता। गाइस पहले तो आपको याद ही होगा ना कि हीरो ब्राइन कितनी बुरी तरीके से एंटिटी 606 को मारता आ रहा है। लेकिन गाइस आज हीरो ब्राइन को देख लो, हीरो ब्राइन कोई बात नहीं, सबका अच्छा दिन आता है और बुरा दिन भी, हम भी कभी इन्हें बताएंगे। लेकिन गाइस बोगीमैन कहाँ गया? हीरो ब्राइन, बोगीमैन नहीं मिल रहा। लेकिन हीरो ब्राइन तुम मेरे साथ ही रहना। गाइस पता नहीं बोगीमैन कहाँ चला गया। जेन क्या तुमने देखा है बोगीमैन को? भाई बोगीमैन तो वो रहा, शुक्र है गाइस कि बोगीमैन बच गया। गाइस लगता है कि वो डर के मारे उधर भाग गया था हीरो ब्राइन। लेकिन गाइस ये हीरो ब्राइन कहाँ गया? जेन तुम भी चलो मेरे साथ, बोगीमैन को भी ले आना। ओके गाइस तो अभी हम लोग हीरो ब्राइन के पास जाते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर ना एंटिटी 606 भी भाग चुका है स्मोक कर। लेकिन गाइस सोचने वाली बात है कि एंटिटी 606 ने हमें कुछ भी क्यों नहीं किया। और गाइस अभी ना हम लोग उस जगह से काफी दूर आ चुके हैं। और गाइस अभी पता नहीं हम लोग केव में पूरे भटक चुके हैं हीरो ब्राइन। लेकिन एक सेकेंड, भाई गाइज हीरो ब्राइन का कहना है कि यहाँ पर उसे कोई पावर महसूस हो रही है। और गाइज यहाँ पर ना कोई अलग उत्तरी, भाई जहाँ से हम लोग अभी अभी आए हैं वहाँ से दरवाज़ा भी बंद हो चुका है। और गाइज अभी मैं इसको तोड़ भी नहीं पा रहा। गाइज लगता है कि हम लोग किसी चाल पर फंस चुके हैं। हीरो ब्राइन ये किसका जाल हो सकता है? गाइज लगता है ना उत्तरी, भाई गाइज हीरो ब्राइन भी उस ब्लॉक को नहीं तोड़ पा रहा। लेकिन एक सेकेंड गाइज इस साइन, ओ भाई यहाँ पर लावा है। और गाइज इस साइन बोर्ड पर लिखा है उत्तरी नीड वन सोल टू ओपन द गेट। गाइज इसका मतलब क्या हो सकता है? और गाइज यहाँ पर एक बुक भी है। और गाइज देखते हैं, भाई साहब लगता है कि इसमें एंटिटी की लैंग्वेज लिखी हुई है। हीरो ब्राइन, हीरो ब्राइन इधर देखो, यहाँ पर एक बुक है। गाइज काश के हीरो ब्राइन से पढ़ सके। और गाइज मुझे ना भी फिलहाल बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि गाइज कहीं एंटिटी 606 के जाल में ना फंस गए हो हम लोग। और गाइज एंटिटी 606 बारी बारी कर कर हमें खत्म ना कर दे। भाई साहब हीरो ब्राइन तुम्हें कुछ पता लगा? हीरो ब्राइन क्या हुआ? उत्तरी, तो गाइज हीरो ब्राइन ने बताया कि इस बुक पर लिखा हुआ है कि गाइज एक बंदे को ना अपनी सोल देनी पड़ेगी इस लावा पे छलांग मारकर। जिन बोगीमैन बात सुनो। ओके तो गाइज मैंने जिन और बोगीमैन को पूरी बात बता दी कि उस बुक पर क्या लिखा हुआ था। और गाइज बोगीमैन ये सुनने के बाद अपनी जान देने के लिए तैयार है। और गाइज इस बोगीमैन का कहना है कि जल्दी से तुम लोग मुझे लावा में धकेल दो, क्योंकि गाइज इसके पास जीने का और कोई चारा भी नहीं है। और गाइज इस बंदे का कहना है कि तुम्हारे पास तो इतने दोस्त भी हैं, लेकिन मैं अकेले जीकर क्या करूंगा। इसीलिए गाइस इस बंदे का कहना है कि मुझे तुम लोग लावा में फेंक दो हीरो ब्राइन। उत्तरी, भाई हीरो ब्राइन ने तो उसको लावा में धक्का दे दिया। उत्तरी हीरो ब्राइन, लेकिन हीरो ब्राइन तुमने ऐसा क्यों किया? वो तो हमारा दोस्त था। उत्तरी भाई जिन छोड़ दो, अब वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन गाइस बोगीमैन कितना अच्छा बंदा था। उत्तरी भाई यहाँ से तो एक गेट खुल गया। लेकिन हीरो ब्रेन यहाँ पर तो डिस्पेंसर है, संभल कर जाना कहीं कोई ट्रैप ना हो। उत्तरी भाई ये तो एरो शूट कर रहा है। लेकिन गाइस हीरो ब्रेन को तो एरो से कुछ हुआ भी नहीं। लगता है कि मेरे को भी बुला रहा है हीरो ब्रेन। ओह भाई ये तो एरो लग रही है मुझे। उत्तरी शुक्र है कि बच गया। जिन तुम भी आ जाओ, लेकिन संभल कर आना गाइस, कहीं जिन को। भाई शुक्र है कि हम तीनों आ गए हीरो ब्राइन। लेकिन गाइस ये हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं? उत्तरी भाई ये तो कोई बंदा सो रहा है यहाँ पर। लेकिन गाइस ये मुझे एंटिटी 303 जैसा क्यों लग रहा है हीरो ब्राइन? गाइस ऐसा लग रहा है कि एंटिटी 303 को किसी ने जला दिया हो। ओ भाई साहब, लेकिन हीरो ब्राइन तुम इसे कुछ भी मत करो, कहीं ये उठ ना जाए। और क्या पता ये बहुत ही ज्यादा कोई पावरफुल एंटिटी हो। लेकिन एक सेकेंड गाइस यहाँ पर एक बुक भी है और किसी जानवर की खोपड़ी भी लगी हुई है। लगता है कि कोई काला जादू होगा। हीरो ब्रेन इस बुक को पढ़कर बताओ क्या लिखा है इसमें।
ओके गाइस, तो लगता है हीरो ब्रे, ओ जिन वहां से हटो, क्या कर रहे हो तुम? वो अगर गलती से भी उठ गया ना तो हम लोग गए। ओके गाइस, तो अभी हीरो ब्रेन ना मुझे उस बुक के बारे में बताएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ओके तो गाइस, हीरो ब्रेन का कहना है कि इस बुक पर कुछ बहुत ही ज्यादा मंत्र लिखे हुए हैं काला जादू के लिए, लेकिन गाइस एक बात इसमें ऐसी लिखी हुई है जो सुनकर ना आप लोग चौंक जाओगे। उत्तरी, लेकिन भाई साहब एक सेकेंड गाइस, इस दरवाजे पे क्या है? हीरो ब्रेन अंदर कौन है? उत्तरी, हीरो ब्रेन तुम इतना घबरा क्यों गए? लेकिन एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर तो नल कुछ बैठ कर रहा है, और गाइस लगता है कि ये भी कोई काला जादू कर रहा है नल। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हीरो ब्रेन जल्दी चलो। गाइस लगता है कि हम लोग ना एक ऐसी जगह पर घुस चुके हैं जहाँ पर ये लोग सारे सीक्रेट रखते हैं अपने, और गाइस हम लोग ना अभी थोड़ा और आगे जाते हैं, किसी भी तरह हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन गाइस हमारा दोस्त बोगीमैन इस दुनिया में नहीं रहा। गाइस पता नहीं और कौन कौन से हमें दुख देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन भाई साहब गाइस यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा आर्मर है। गाइस हम लोग ना एक एक आर्मर ले लेते हैं, एक हीरो ब्रेन, एक जिन और एक मैं। और गाइस यहाँ पर देखो बहुत ही ज्यादा स्वॉर्ड्स है, मतलब कि गाइस एक मैं ले लूंगा और एक हीरो ब्रेन और एक जिन। और गाइज मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया कि उस बुक पर आखिर लिखा हुआ क्या था। गाइज हीरो ब्रेन ने मुझे बताया कि उस बुक पर लिखा था कि जब तक एंटिटी 303 और जीरो ब्रेन जिंदा है ना, तो एंटिटी 606 कभी भी नहीं मर सकता। भाई साहब ये कौन सी मिस्ट्री हो सकती है? लेकिन गाइज हीरो ब्रेन मुझे अंदर बुला रहे हैं, और गाइज उस बुक पर ना यही लिखा हुआ था सिर्फ, बाकी तो मंत्र थे सारे। लेकिन ये खून किसका है बे? हीरो ब्रेन भाई, लेकिन एक सेकेंड गाइस ये कौन है भाई साहब?